उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पास अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री भी है, लेकिन आरोप अब मंत्री सतीश द्विवेदी भ्रष्टाचार शास्त्र के जानकार होने के लग रहे हैं। पहले पंचायत चुनाव में संक्रमण से शिक्षकों की मौत का आंकड़ा न मानने का विवाद हुआ, फिर छोटे भाई को गरीबी कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के विवाद में मंत्री सतीश द्विवेदी का नाम आया। अब पढ़ाई लिखाई का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में संभालने वाले सतीश द्विवेदी पर आरोप है कि करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव अपने अपने परिजनों के नाम उन्होंने लिखा लिया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश कुमार द्विवेदी जादूगर है, जिन्हें आरोप है कि करोड़ों की जमीन कौड़ियों में अपने नाम कर लेने का हुनर आता है। आम आदमी को बित्ता भर जमीन अपने जीवन में अपने नाम कराने में 50 बार सोचना पड़ता है, क्या वहीं पढ़ाई वाले विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी करोड़ों की जमीन दाल में नमक भर पैसा देकर लिखा लेने का जादू जानते हैं? आरोप है कि 350 वर्ग मीटर की जमीन जिसकी बाजार कीमत दावा है 65,45,000 रुपए है और मंत्री जी की माता जी के नाम पर यह जमीन 12,00,000 रुपए में खरीद ली गई। आरोप है दूसरी रजिस्ट्री भी मंत्री जी की माता जी के नाम पर 8,00,000 रुपए में हो गई, जिस जमीन की बाजार कीमत दावा है 23,61,000 रुपए। आरोप है कि तीसरी रजिस्ट्री तो खुद मंत्री सतीश द्विवेदी के नाम पर है, जहां दावा है कि जमीन की कीमत बाजार के मुताबिक 1,26,29,000 रुपए है और आरोप है कि करोड़ पार वाली यह जमीन मंत्री जी के नाम पर सिर्फ 20,00,000 रुपए में हुई है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों वाली यह जमीन कहाँ है, कितनी है, कैसी है, किसकी है, इन सारे आरोपों की जमीन देखने आज तक संवाददाता संतोष कुमार लखनऊ से निकलते हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी और उनकी माँ के नाम पर खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति पर बवाल खड़ा हुआ है। सिद्धार्थनगर में खरीदी गई इस संपत्ति की क्या है हकीकत, आइए हम आपको सिद्धार्थनगर ले चलते हैं और वहां देखेंगे कि क्या है उस संपत्ति की स्थिति और क्या है हकीकत। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की विधानसभा इटवा में स्वागत करता भगवा बोर्ड दिखता है। ये स्वागत द्वार मंत्री सतीश द्विवेदी ने अंतिम व्यक्ति तक का उदय चाहने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर समर्पित कर रखा है, लेकिन उन्हीं सतीश द्विवेदी पर अब आरोप भ्रष्टाचार की जमीन उगाने का लगता है। ये जो जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं, ये खेत, ये खलिहान, ये सब मंत्री सतीश द्विवेदी का है। कागजों में मंत्री सतीश द्विवेदी के नाम पर यह दर्ज जमीन की कीमत 1,00,000 से ऊपर की है, लेकिन इसको खरीदा सिर्फ 20,00,000 रुपए में गया है और वो भी इसी साल के शुरुआत के महीने में। यही वो वजह है कि जिसको लेकर मंत्री सतीश द्विवेदी विवादों के घेरे में हैं। अब सोचिए, जिन मंत्री के भाई गरीबी कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति वाली चिट्ठी पाकर आज तक की दस्तक के बाद इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, वो मंत्री जी न सिर्फ आरोप है कि 25,00,000 की जमीन 20,00,000 में अपने नाम कराते हैं, बल्कि अपनी कमाई के लिए यहाँ सड़क भी बिछवा देते हैं। ये जो रोड आ रही है, ये कहा जाता है कि मंत्री जी ने अपनी जो खेत है, जो उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए, जमीन की कीमत को बढ़ाने के लिए रोड भी उन्होंने ही खुद बनवा ली, ताकि उनका खेत, उनकी जो जमीन है वो रोड पर आ जाए और उसकी कीमत बढ़ जाए। जिन 4 रजिस्ट्रियों की बात की जा रही है, उसमें 3 रजिस्ट्रियां उनकी माँ के नाम पर है और ये खेत करीब 2 एकड़ का है, जो बताया जा रहा है कि ये सतीश द्विवेदी के नाम पर ये दर्ज है। सतीश यानी जिनके नाम का अर्थ होता है भगवान शिव जैसा, वो सतीश द्विवेदी क्या पद, कद और रुतबा दिखाकर जमीन मंथन करके निकाले गए कमाई के अमृत को दबाकर पी रहे हैं, विवाद की एक और जमीन तक आज तक पहुंचा। 65,00,000 की जमीन और 12,00,000 रुपए में रजिस्ट्री। हम इस समय पर मंत्री सतीश द्विवेदी की एक दूसरी जमीन पर मौजूद है। ये कमदा लालपुर इलाके की ये जमीन है, ये रोड साइड की जमीन है। इसको जमीन को रजिस्ट्री जो करवाई गई, वो सतीश द्विवेदी की माँ कालिंदी देवी और उनके एक गरीबी की माँ के नाम पर दर्ज हुई। कागजों में जो मूल्यांकन हुआ इस जमीन की कीमत का, वो करीब 65,00,000 रुपए है, लेकिन जो कीमत अदा की गई वो सिर्फ 12,00,000 रुपए। इसी जमीन को लेकर स्थानीय नागरिक सदानंद संवाददाता संतोष कुमार से बातचीत में ये आरोप लगाते हैं कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने उनके नाम पर आई जमीन को दबाव बनाकर कौड़ियों में खरीदा। रुपया तो वही 1,50,000 पहला दिन मिला है, वही मुझे जानकारी है, 1 सेकंड हैंड मोटरसाइकिल देते हीरो होंडा।
मतलब जो कागज में जो जमीन है कमला दालपुर की, जो जमीन की जिसकी बात सदानंद कर रहे हैं, वो जमीन का जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 65 लाख रुपए 63 लाख रुपए है। लेकिन उसको कागज में बताया गया कि 12 लाख रुपए दिए गए, लेकिन अब सदानंद क्या रहा है 1.5 लाख रुपए दिए गए और एक मोटरसाइकिल दी गई। कैमरे पर आए बिना हर आरोप पर मंत्री सतीश द्विवेदी की सफाई है कि रजिस्ट्री की कॉपी सही है, जमीन की खरीद फरोख्त में ना कोई गड़बड़ी हुई ना ही कुछ गैर कानूनी है और मंत्री जी हर तरह की जांच के लिए तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हलचल लेती सियासत के बीच करप्शन की जमीनों के आरोपों के साथ सवाल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता उठाते हैं। ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इसकी जांच करेगा तो एक मिनट में उनकी जमीन जब्त कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है और ये ब्लैक मनी के जरिए पैसा दिया गया। ये आमतौर पे यही करते हैं ये लोग। जितने भी प्रभावशाली लोग हैं महंगी जमीनों को ऑन पेपर कम में खरीदते हैं और बाकी पैसा ब्लैक मनी के जरिए देते हैं। तो ये खुला भ्रष्टाचार है। मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।